क्या आप भी गौशाला का निर्माण करने के बारे में सोच रहे हैं? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय पशुशाला एवं गौशाला के निर्माण के समय जरूरी बातों को ध्यान रखने के बारे में है। भारत में कई लोगों का आजीविका का मुख्य साधन पशुपालन ही है। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से पशु आवास योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत गौशाला के लिए जमीन से लेकर अन्य कई व्यवस्थाओं के लिए पशुपालकों को अनुदान दिया जाता है। पशुओं के लिए जितनी ही हवादार एवं आरामदायक गौशाला का निर्माण किया जाएगा, पशु उतना ही स्वस्थ एवं उनके दूध का उत्पादन बेहतर होगा। पशु आवास के लिए सबसे पहले एक ऐसे स्थान को चुनें जहां पर्याप्त मात्रा पे सूरज की रोशनी पड़ती हो। आवास में हवा का आवागमन की उचित व्यवस्था के साथ पानी एवं जल की भी व्यवस्था रखें। आवास का निर्माण थोड़ी ऊंचाई पे करें ताकि जल जमाव की समस्या उत्पन्न ना हो। साथ ही साफ सफाई भी आसानी से हो। आवास की नियमित रूप से साफ सफाई रखें। प्रत्येक गाय के लिए 60 मीटर स्क्वायर खुले एवं 3.5 मीटर स्क्वायर बंद या ढके हुए क्षेत्र की व्यवस्था करें। साथ ही प्रत्येक भैंस के लिए 8 मीटर स्क्वायर खुले एवं 4 मीटर स्क्वायर ढके हुए या बंद क्षेत्र की व्यवस्था करें। मध्यम एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की ऊंचाई 175 सेंटीमीटर तक रखें तथा कम वर्षा वाले एवं सूखे क्षेत्रों के शेड की ऊंचाई 220 सेंटीमीटर तक रखें। पशुओं के खाने पीने की अलग से व्यवस्था रखें। प्रत्येक व्यस्क पशु के लिए 60 से 75 सेंटीमीटर लंबी नाद का प्रबंध करें। साथ ही प्रत्येक बछड़े के खाने पीने के लिए 40 से 50 सेंटीमीटर लंबी नाद का प्रबंध करें। पशु एवं पशुपालन से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर और पशु चिकित्सक से निःशुल्क जानकारी प्राप्त करें। साथ ही आप प्ले स्टोर पर जाकर देहात किसान ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और देहात से जुड़ सकते हैं। देहात का हाथ किसानों के साथ। धन्यवाद।